अभी हमें एक रास्ते में एक व्यू आया था तो वहाँ पे रुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही मजे का व्यू है, यहाँ से पूरा पक्का यहाँ से नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और माशाल्लाह जी, रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है। ये अशरा मगफिरत का होता है और अल्लाह पाक हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आज हमारा प्लान बना जी, हम इफ्तारी करेंगे जी जबल हटा पे जाके। और इस टाइम मैं आऊँ एक पाकिस्तानी होटल है अजीज़िया में, यहाँ से हम अपने समोसे पकौड़े जो भी हमें चाहिए वो हम इंशाल्लाह यहाँ से लेंगे। तो फिर चलते हैं आगे, इनसे ले लेते हैं। क्या चाहिए यहाँ से? हाँ, चाट मुझे पास है। पकौड़े हैं? पकौड़े दो मिनट बस, दो मिनट में आ रहे हैं। ओके ओके, ये दही एक पार्सल ये दे दें, ठीक है। और एक फ्रूट चाट का दे दें, ठीक है। और समोसे कितना चाहिए? चार। चलो नॉर्मल थोड़े से उड़ा लो आज, आज ठीक है। चलो बस बहुत हाँ, छः दे दें। चटनी वगैरह प्लेट चाहिए, पांच प्लेट चाहिए साथ में, पांच प्लेट हाँ प्लेट्स तीन चार प्लेट हाँ तीन चार प्लेटा ला लेना वहाँ पर। समझ रखनी है ना जी। तो भाई अभी ना रास्ते में हम एक जगह पे रुके हैं, ये सुपरमार्केट पे। और यहाँ से ना हमें चाहिए, क्या चाहिए था यहाँ से? हमें चाहिए कुछ पानी छानी, कुछ जूस वगैरह। हमने सोचा चलो यहीं से रास्ते में से ले लेते हैं। और ये अब आ गए यहाँ पे, मेरे साथ वाला जो पार्टनर था वो पता नहीं किधर गायब हो गया। और कंपनी ना नादी क्या फर्क नहीं, इन्हों का कोई अच्छा टेस्ट नहीं। टाइम हो रहा है जी 5:45।
और इस टाइम आया हूँ जी यहाँ पे जो मक्का के जद्दा मक्का से फायर गादर जो चेक पॉइंट आती है ना, उससे पहले हम ये तो पहले यहाँ पर रुके हैं और यहाँ से हमने कुछ पानी वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह ले रही हैं और अब हम जा रहे हैं जी आगे जी। तो गाइस यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ से हमारा ताइफ़ का सफ़र शुरू हो चुका है और यहाँ से अलहदा स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये अलहदा वो ऊपर जाके स्टॉप होता है और हमारा जो इस टाइम ना पेट्रोल वो भी बिल्कुल लैंड पे है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 किलोमीटर चल सकती है लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ये 27 किलोमीटर चलेगी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो ये देखें माशाल्लाह जी आगे यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट भी आ गई है। इसका एक पॉइंट है ये ऊपर से लेकर नीचे तक जाएगी और इसको कहते हैं जी समा, इसको अरेबिक में इसको समा कहते हैं। जब हमने अलहदा की पहाड़ी स्टार्ट की थी तो नीचे गर्म हवा चल रही थी लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते गए हैं और यहाँ पे माशाल्लाह हवा बिल्कुल ठंडी हो गई है और यहाँ पे टेम्परेचर भी तकरीबन 19-20 के करीब हो गया। तो ये जी अल्लाह पाक की कुदरत है, एक तरफ बिल्कुल गर्मी है और एक तरफ बिल्कुल सर्दी है, तो ये भी अल्लाह पाक की एक कुदरत है जी। जी तो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह हम यहाँ पे अलहदा वाली साइड पे आ गए हैं और टेम्परेचर यहाँ पे इसमें मैं तकरीबन 21-22 के करीब करीब था यहाँ पे टेम्परेचर। और जी माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ये अपने रियाज साहब हैं जी, ये रियाज साहब आए हैं जी जद्दा से हमारे पास। आवाज़ इस टाइम कम आ रही हो क्योंकि रोड पर हम इस टाइम। हाँ जी चलो आप सर ना पहले पानी वाली बोतल भी ले है। तो गाइस माशाल्लाह इफ्तारी में बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है और लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और ये जगह तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे और ये जगह सारी की सारी फुल हो जाएगी। मक्का में इतनी गर्मी है और ताइफ में इतना ठंडा मौसम है, ये भी बस मेरे रब की शान है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा इफ्तारी करके यहाँ पर। और अभी मैं यहाँ पर फूल तमीज़ लेने के लिए और अल्लाह करे यहाँ पर जो लाइन है ना बहुत लंबी लाइन है और इफ्तारी में तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं और उम्मीद है कि आम मिल जाए हमें आज फूल तमीज़, वरना मुझे उम्मीद नहीं लगती कि हमें यहाँ से आज कुछ मिलेगा। तो जी इस टाइम हम लाइन में लगे हुए हैं और लाइन भी काफ़ी लंबी है तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारी बारी आएगी। और ये एक बच्चा भी आ गया सामने से और ये शायद कोई केक शेक बांट रहा है, तो ये सऊदी अरब में ऐसा होता रहता है, यहाँ पे इफ्तार के टाइम पर बहुत कुछ बांटते हैं। इसके नीचे रखने के लिए भी दो ना कुछ। अजान भी हो गई है और जल्दी जल्दी जाके बस इफ्तारी करें। तमीज़ तमीज़ एनू कहते तमीज़। यहाँ पे जी हमारे पास पकौड़े हैं, ये फ्रूट चाट है और ये समोसे हैं। ये थी दही भल्ले के चक्कर में एप्पल पूरा हो गया और गुलाबा भी गया। कहती कुछ पीछे खड़ो से कुछ नहीं कहती। इसे पढ़ जाने नहीं पढ़ती। ये काम बहुत जरूरी था जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई और जोर की नमाज, जोर कह रहा हूँ, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है। ईशा की भी नमाज ही साथ पढ़ ली है। सफ़र में निकले हो ना तो उसके लिए जस्ट दो नफल होते हैं ना वो आप पढ़ सकते हैं सफ़र में। और यहाँ से अफ्तारी शफ्तारी करके तो बस फिर आप जाते हैं, दिखाते हैं फिर आपको आगे किसी। सलामुअलैकुम अंदर शायद नहीं।
जी तो गाइज़ यहाँ पे अब हमारी जो है ना चाय बनना स्टार्ट हो गई है। हमारी तो नहीं, दूध की चाय, ये शाही अदनी हम ले रहे हैं इनसे। और ये शाही अदनी जो है सऊदीया में बहुत फेमस है। वैसे तो ये यमन की चाय है शाही अदनी, लेकिन सऊदीया में बहुत फेमस है। और जैसे हमारी पाकिस्तानी चाय होती है ना, उसी तरह ये चाय होती है, यानी कि कड़क चाय होती है बिल्कुल तेज़। तो जी गाइस ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी, ये हमारी चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको कहते हैं जी शाही अदनी, मेरी फेवरेट चाय है ये, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हमारी बिल्कुल तेज़ ड्राइवरों वाली चाय होती है ना, इसी तरह ये यहाँ पे शाही अदनी मगर इसका टेस्ट दारचीनी जैसे, मुझे यार इसने ये मसाले डालते हैं ना इसके अंदर। तो गाइस हम अपनी चाय इंजॉय करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप ये व्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे। और यकीन माने चाय का तो मज़ा ही आ गया ना। इसको कहते हैं जी शाही अदनी, ये सऊदीया की पहचान है शाही अदनी। ये अभी हम एक रास्ते में एक व्यू आया था तो वहाँ पे रुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का व्यू है, यहाँ से पूरा मक्का यहाँ से नज़र आता है जी। तो गाइस यहाँ पे हमारी आज की जर्नी का होता है एंड। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने 100+ सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।